से बड़ी और अहम जानकारी, यमुनानगर में आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है बड़ी जानकारी। और यमुनानगर के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी सामने आई है। सीएमओ मनजीत सिंह ने भी मानी कमी की बात। आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल भान ने पूछे थे सवाल। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर जो है यमुनानगर से है, आरटीआई के जरिए जो है वो खुलासा हुआ है। यमुनानगर के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, सीएमओ मनजीत सिंह ने भी मानी है कमी की बात। और आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल भान ने ये सवाल पूछे थे, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। एक आरटीआई के जरिए खुलासा किया गया। हालांकि कहा जाता रहा है कि अस्पतालों में पूर्ण रूप से डॉक्टर जो है वो उपलब्ध है, लेकिन जब आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल भान ने आरटीआई डाली और उसमें ये सवाल पूछे, तो उसके जरिए खुलासा हुआ। और उसने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। सीएमओ मनजीत सिंह ने भी कमी की बात मानी है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुनील कुमार जुड़ चुके हैं। सुनील, जानकारी चाहेंगे, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी देखी गई है और वो भी खुलासा जो है वो आरटीआई के जरिए हुआ है। जी अनु, आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट जो है राहुल भान, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का खुलासा करने के लिए जो है आरटीआई लगाई थी, जिसमें खुलासा हुआ कि यहाँ पर जो है डॉक्टर्स की भारी कमी है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में इस सरकार के इसी कार्यकाल में यहाँ पर जो है सिविल अस्पताल की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हुई हैं। हालांकि आरटीआई एक्टिविस्ट ने यह भी बताया है कि जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें करोड़ों रुपए खर्च कर खड़ी कर दी गई हैं, तो अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी क्यों है? क्या आखिर सिर्फ लीपापोती के लिए ये बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं? जब डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो इलाज कैसे होगा? और खास बात यह है कि सीएमओ ने भी डॉक्टरों की कमी की बात जो है वो मानी है यहाँ पर। जी, आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर विजय दहिया जो है सीएमओ के पद पर कार्यरत थे। अभी जो है नवनीत सिंह ने थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर कार्यभार संभाला है। उन्होंने यहाँ पर आकर जो सिस्टम संभाला है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये हाल सिर्फ यमुनानगर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में इसी तरह के हालात हैं। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि जो सरकार है इस समय वह लगातार कोशिश में है कि डॉक्टर की कमी को पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक हालात जो है सुधरे नहीं हैं। वहीं बात करें तो कई ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं यमुनानगर।